कुछ चंद समाज है जो आज भी बहुत सारे बहुसंख्यक समाज को न्याय से वंचित रखा है। आज भी हम न्याय की लड़ाई लड़ रहे हैं और ये लड़ाई हम लोग लड़ेंगे और इस लड़ाई को हम लोग जीतेंगे भी। उनको ताड़ना का पड़ताड़ना का शिकार बनाया जाता था, उनको पैर की जूती समझा जाता था। इस पूरे दुनिया के अंदर कोई ऐसा व्यक्ति नहीं है जो आरक्षण नहीं देता। केंद्र में बैठी हुई सरकारें चाहती है कि उस आरक्षण को खत्म कर दिया जाए। आज 76 साल के बाद भी हमारे भारत देश में SC ST के लोग, OBC के लोग, माइनॉरिटी समाज के लोग, पिछड़े जाति के लोग, गरीब तबके के लोग, महिलाएं आज अपनी न्याय की लड़ाई, न्याय की मांग इस रामलीला मैदान में करने के लिए एकत्रित हो रही है। बड़ा दुर्भाग्य है इस देश के लिए। आज भी हम न्याय की लड़ाई लड़ रहे हैं। कुछ चंद समाज है जो आज भी बहुत सारे बहुसंख्यक समाज को न्याय से वंचित रखा है। उस लड़ाई को पूरे देश के लोग आज लड़ने का संकल्प ले रहे हैं। कहीं ना कहीं हमें कहते हुए बड़ा शर्म आता है कि देश में आज भी हम लोग अपने देश के कुछ हिटलरशाही व्यवस्था से लड़ने का काम कर रहे हैं। हम न्याय की मांग कर रहे हैं जबकि हमारे देश को आज से 76 साल पहले अंग्रेजों से आजाद कर दिया गया। अंग्रेजों से हमें आजादी मिल गई, हमें बहुत बड़ा अन्याय से आजादी मिल गया, लेकिन इस आजाद देश में आज भी हमारे कुछ समाज है, कुछ चंद समाज है जो आज भी बहुत सारे बहुसंख्यक समाज को न्याय से वंचित रखा है। उस लड़ाई को पूरे देश के लोग आज लड़ने का संकल्प ले रहे हैं। कहीं ना कहीं हमें कहते हुए बड़ा शर्म आता है कि देश में आज भी हम लोग अपने देश के कुछ हिटलरशाही व्यवस्था से लड़ने का काम कर रहे हैं। चूंकि अंग्रेज यहां से चले गए, लेकिन अंग्रेजों ने यहां के कुछ चंद लोगों को अपना अधिकार दे गए कि तुम यहां पे शासन करते रहना, तुम यहां के अल्पसंख्यक लोगों को, OBC समाज के लोगों को, SC ST के समाज के लोगों को, यहाँ के महिलाओं को दबाते रहना, इनका शोषण करते रहना, और आज भी ये शोषण जारी है। इसके लिए पूरे देश में SC ST OBC का अभियान चलाया जा रहा है। SC ST OBC के विभिन्न संगठनों द्वारा चलाया जा रहा है और ये अधिकार और ये न्याय मिलेगा, लेकिन इसके लिए हमें लड़ाई लड़ना पड़ेगा, बड़े जोर का लड़ाई लड़ना पड़ेगा। इतने आसानी से हमें अधिकार नहीं मिलेगा, क्योंकि हमारी लड़ाई अंग्रेजों से नहीं है, दूसरे देश से नहीं है, अपने देश के कुछ गलत ठेकेदारों से है। तो इस लड़ाई को लड़ने के लिए हमें भारी मुहिम चलाना पड़ेगा, क्योंकि अक्सर हमें दूसरे से लड़ने के लिए बड़ी ताकत की जरूरत पड़ती है और हम लड़ भी जाते हैं, क्योंकि दूसरे को हमें मानते हैं कि वो हमारा दुश्मन है, उसके लड़ने में हमें कोई दिक्कत नहीं होती। लेकिन अगर अपना भाई दुश्मन बन जाता है तो उससे लड़ने के लिए हमें बहुत सारी तैयारियां करनी पड़ती है, जो आज हमारे इस OBC फ्रंट ऑफ इंडिया के माध्यम से तैयारियां शुरू कर दी गई है, और ये लड़ाई हम लोग लड़ेंगे और इस लड़ाई को हम लोग जीतेंगे भी। साथियों, आज आप लोग TV के माध्यम से, हमारे मीडिया बंधुओं के माध्यम से आप लोग सुनते होंगे कि बार बार संविधान में छेड़छाड़ करने का काम शुरू कर दिया जाता है। आप लोगों ने 2 अप्रैल 2018 का एक
समाचार न्यूज सुना होगा कि मोदी जी की सरकार ने एक लोगों को झलक दिखाया था कि एससी एसटी का आरक्षण खत्म कर दिया जाए। आज महिलाओं की आरक्षण खत्म करने की बात चल रही है। बाबा साहब ने जब आरक्षण दिया था उस समय बाबा साहब ने बड़े सोच समझ के भविष्य की बातें लिखी थी कि उस समय को स्थिति जो था एससी एसटी के लोगों को ओबीसी के लोगों को विशेष करके हमारे देश की नारी शक्ति महिलाओं को हर समाज में उनको ताड़ना का पड़ताड़ना का शिकार बनाया जाता था, उनको पैर की जूती समझा जाता था। बाबा साहब ने वो आजादी दिलाने का काम किया, वो आरक्षण देने का काम किया। आज लोग ये कहते हैं कि आरक्षण गलत है। इस पूरे दुनिया के अंदर कोई ऐसा व्यक्ति नहीं है जो आरक्षण नहीं देता। बाबा साहब ने अपने परिवार के लोगों में से कुछ हिस्से में आरक्षण दिया, क्या गुनाह कर दिया? आज हमारे परिवार में अगर चार बेटे हैं, चार बच्चे हैं, एक बेटा सबसे ज्यादा कमजोर है तो उसकी माँ उसको भी एक गिलास दूध फालतू पिलाती है, एक फल उसका बाप ला करके ज्यादा देता है, ये आरक्षण नहीं तो क्या है? बाबा साहब ने भी वही किया। हमारे देश का दलित समाज, हमारे देश का पिछड़ा समाज काफी पीछे था, काफी मजबूर था, काफी परेशान था और वो आज भी है। इसलिए उन्होंने आरक्षण दिया, उनको अधिकार दिया, उनको जीने का अधिकार दिया। आज लोग विरोध करते हैं आरक्षण बंद कर दो। हमारे माताएं बहनों को, हमारे महिलाओं को हर तरह की दिक्कत, एक तरह से बहुत बड़ी गुलामी थी। जब महिला घर में आती थी तो उनके लिए सारा काम था कि घर में झाड़ू वो लगाएगी, बर्तन वो धोएगी, खाना वो बनाएगी, कपड़ा वो धोएगी, लोगों का बुजुर्गों का गुलामी वो करेगी। इस तरह का जो है उनके साथ अन्याय था, उस अन्याय को हमें बाबा साहब ने आरक्षण देकर के खत्म किया और आज महिलाओं को कंधे से कंधे मिला करके अधिकार दिया। और आज केंद्र में बैठी हुई सरकारें चाहती है कि उस आरक्षण को खत्म कर दिया जाए। यहाँ से आप लोग जाओ तो अपने गली मोहल्ले में, अपने क्षेत्र में जरूर इस बात का प्रचार करो कि आप लोग जागरूक बन जाओ, और नहीं तो कहीं ना कहीं हमें 15 अगस्त 1947 के पहले वाला दिन देखना पड़ेगा। तो इसके लिए आप लोगों को तैयार होना पड़ेगा, कसम खाना पड़ेगा, प्रतिज्ञा करना पड़ेगा, नहीं तो फिर से एक बार हमारा समाज गुलाम हो जाएगा। जय हिंद, जय भारत।